नमस्कार, आप देख रहे हैं P100 टीवी लाइव। मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। सबसे पहले डालते हैं नजर आज की सबसे बड़ी खबरों में। खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर समाजवादी पार्टी की बैठक में किया गया यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त प्रदेश सचिव दाऊद पठान का स्वागत। सपा के जिला कार्यालय पर बैठक का आयोजन कर यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त प्रदेश सचिव दाऊद पठान का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। स्वागत समारोह में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए विशेष रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने कहा कि धर्म निरपेक्ष दलों की एकजुटता समय की आवश्यकता है। धर्मनिरपेक्ष दलों की एकजुटता से ही देश से भाजपा का सफाया होगा। उन्होंने कहा कि देश को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने के लिए देश में धर्मनिरपेक्षता, संविधान व संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए भाजपा की सत्ता से विदाई आवश्यक है। नवनियुक्त प्रदेश सचिव दाऊद पठान ने अपने स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी को पूरी लगन से व निष्ठा से निभाते हुए अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ना मेरा लक्ष्य है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी अख्तर ने स्वागत समारोह का संचालन किया। स्वागत में शामिल रहे सपा जिला अध्यक्ष मतलूब अली, जिला महासचिव विजय त्यागी, समाजसेवी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी अख्तर, विनय शर्मा, शादाब नंबरदार, आस मोहम्मद गाजी आदि सपा नेताओं ने नवनियुक्त प्रदेश सचिव दाऊद पठान का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संवाददाता इलियास अली की खास रिपोर्ट।